अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि EIGRP की अथेंटिकेशन कैसे की जाती है नेबर की। तो सबसे पहले हम राउटर के ऊपर आएंगे और यहाँ पर फ़िलहाल इस टाइम नेबर ये बिल्ड है। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में आएंगे और उसके बाद की बनाएंगे इधर। अब की चेन में इधर दे देता हूँ वर्ड एंड IT, ठीक है। और उसके बाद आपने बतानी है की कौन सी होगी, तो की वन होगी। और इस की का नाम देना है हमें की स्ट्रिंग, जो कि मैं दे रहा हूँ सिस्को, ठीक है। अब अगर इसको फर्दर आप वो करेंगे तो इसमें एक्सेप्ट लाइफ टाइम भी आप दे सकते हो कि इसका लाइफ टाइम जो है कब तक होगा। फॉर सपोज़ आप इसको घंटे भी दे सकते हो कि भाई 5 घंटे तक ये की जो होगी वो आपकी वैलिड होगी और 5 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। इसमें आप सेंड लाइफ टाइम भी कर सकते हो। इसमें भी आप बताओगे कि स्टार्ट टाइम इसका कब होगा और एंड टाइम इसका कब होगा, ठीक है। तो ये भी आप 5 आवर्स के हिसाब से मंथ और डिटेल्स वगैरह दे सकते हो। और उसके बाद आप इसमें बताओगे कि ये इसका स्टार्ट टाइम है और जो है इस तक यानी ये वैलिड रहेगी। तो हम फिलहाल इसमें टाइम वगैरह ये वो कुछ भी नहीं देते, हम जस्ट इसको एग्ज़िट कर देते हैं। यानी हमारा प्राइमरी टास्क जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरफेस के ऊपर आएंगे। ये गिग 0x0 है तो इसमें इंटरफेस 0x0 के ऊपर हम आएंगे। और इसमें IP ऑथेंटिकेशन आप जो है मोड और EIGRP और आगे उसका नंबर देना है 10 और MD5, ठीक है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब ये इंटरफेस डाउन हो गया क्योंकि इसके नेबर के पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो की चेन हमारे पास कौन सी थी EIGRP की, वो हमने दी थी वर्ड एंड IT। थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, किचन वर्ड एंड IT, ठीक है। तो ये डन हो गया। अगर शो IP राउट करेंगे तो हमारे पास जो दूसरे वाले राउट थे ना इसके ये वाले इस साइड पे 5 और 6, तो वो हमारे पास उसकी नेबरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये देखें ये टाइम उसका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसने नेबरशिप अपनी ख़त्म कर ली। तो अभी ये इस टाइम पिंग आ रहा है पर ये कुछ टाइम के बाद पिंग इसका ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा इसको टाइम देते हैं। अच्छा, ये हमने इस साइड पे ऑथेंटिकेशन लगाई थी ना, तो ट्राई हम इधर कर रहे थे। तो इस राउटर पे चेक करते हैं तो मैं आपको लॉक्स दिखा दूं। तो इसने अपनी नेबरशिप ब्रेक कर दी है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ऑथेंटिकेशन फेल्यूर के मैसेजेस आ रहे हैं। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। और मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये वन वाले जो थे वो पिंग नहीं हो रही यहाँ से, ठीक है। तो ये अभी पिंग नहीं हो रहा। तो इसको पिंग करने के लिए आपने वही चीज़ें करनी है इस पे सारी, वैसे ही जैसे ऑथेंटिकेशन उस पे लगाई है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में हम आएंगे, सबसे पहले की चेन बनाएंगे। की चेन हमारे पास था वर्ड एंड IT, की थी 1 और की स्ट्रिंग मेरे पास थी सिस्को, ठीक है। इसको एग्ज़िट कर देते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं। और इंटरफेस हमारे पास गिग का है, इंटरफेस गिग 0x0 IP ऑथेंटिकेशन EIGRP मोड EIGRP AS नंबर 10 था MD5, एंटर।
आईपी ऑथेंटिकेशन कीचेन ईआईजीआरपी 10 वर्ड एंड आईटी। तो ये मैंने जैसे किया तो ये इसने नेबर एजेंसी का हमारे पास मैसेज आ गया है और ये इसका नेबर अप हो गया है। शो आईपी राउट करते हैं हम, तो ये 1 वाला और 2 वाला नेटवर्क इसको अभी रीड हुआ है, तो हम पिंग करके देखते हैं। तो ये देखें पिंग आना स्टार्ट हो गई। तो ये सिंपल एक छोटी सी वीडियो थी ऑथेंटिकेशन की। उम्मीद है आपको लाइक की होगी ये वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।